प्रक्रिया के संबंध में कुछ अराजक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से जनपद मथुरा के युवाओं को अराजकता फैलाने और शांति व्यवस्था भंग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मैं जनपद मथुरा के सभी युवाओं को अपील करना चाहता हूं कि ऐसे किसी भी प्रदर्शन की कोई भी परमिशन जारी नहीं की गई है। मैं आपसे सभी से अनुरोध करता हूं कि आप ऐसे किसी भी प्रदर्शन में या किसी भी प्रोटेस्ट में शामिल ना हों जिससे कि कानून व्यवस्था भंग होती हो। सेना भर्ती की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने के विरोध में बलदेव थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 127 पर युवाओं ने आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने यमुना एक्सप्रेसवे पर जाम लगाने का प्रयास किया और केंद्र सरकार के प्रति रोष व्यक्त करते हुए प्रदर्शन किया। युवाओं के विरोध प्रदर्शन की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवाओं को समझाकर शांत कराने का प्रयास किया। इस दौरान आक्रोशित युवाओं और पुलिस कर्मियों के बीच नोकझोंक हो गई। कुछ ही समय में एसपी ग्रामीण श्रीचंद भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने बामुश्किल युवाओं को शांत कराया। प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने केंद्र सरकार के सेना भर्ती में बदलाव के फैसले पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सेना भर्ती प्रक्रिया पूर्ववत होनी चाहिए, सेना भर्ती की नई योजना को केंद्र सरकार वापस ले, अन्यथा युवाओं का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। युवाओं ने कहा कि वे पिछले 2 सालों से सेना भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सेना भर्ती की परीक्षा रद्द कर दी गई। यह देश के युवाओं के साथ नाइंसाफी है। उन्होंने कहा कि सेना भर्ती की रद्द की गई परीक्षा को कराया जाए, नई सेना भर्ती योजना को वापस लिया जाए ताकि देश के युवाओं का भविष्य संवर सके और वे देश सेवा कर सके। सर, हमारा कारण यह है कि जितने भी हमारे जो भाई हैं, हमसे छोटे बड़े जो भी हैं, वो गरीब लोग हैं, बच्चे हमारे भी मर रहे हैं। अब एक बात, तो हमारे पास क्या जरिया है, 4 साल की नौकरी कर दी, इनकी जो मंत्री पद का पद है वो 5 साल का है, उनको 1 साल का करो ना, क्यों नहीं कर रहे हैं? मोदी जी क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं? जितने लोग मरे इनके घर वालों को कोई तसल्ली दी है? अगर एक नेता मर गया तो वहाँ पे सारे नौजवान को लोग पहुँच जाते हैं। कोई आज तक घूमने के लिए आया है? किसी ने क्यों नहीं आज तक कोई आया? पुलिस वाले हमें मार रहे, क्यों मार रहे हैं? बिना ऑपरेशन स्पाइन व जोड़ों के दर्द का इलाज और न्यूरोसर्जरी अब मथुरा में संभव। क्षेत्र में पहली बार बड़े शहरों की सुविधा अब सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रोमा सेंटर में उपलब्ध। आईसीयू, एनआईसीयू, वेंटिलेटर, एक्सीडेंट के सभी इमरजेंसी मरीज, दिमाग एवं रीढ़ की हड्डी के सभी ऑपरेशन अब मथुरा में संभव। राम मनोहर लोहिया पीजीआई अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा 24 घंटे इमरजेंसी एवं प्रतिदिन ओपीडी की व्यवस्था। डॉक्टर प्रेमपाल भाटी, न्यूरोसर्जन, राम मनोहर लोहिया पीजीआई अस्पताल। न्यूरोसर्जरी, दिमाग एवं रीढ़ की हड्डी एवं एक्सीडेंट के सभी गंभीर मरीजों का इलाज अब मथुरा में सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 24 घंटे उपलब्ध है। प्लास्टिक सर्जरी की सुविधा भी उपलब्ध। सभी प्रकार की प्लास्टिक सर्जरी के विशेषज्ञ सर्जन डॉक्टर डिम्पी शर्मा। सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अब हर तरह की प्लास्टिक सर्जरी की सुविधाएं उपलब्ध है, तो मथुरा वासियों को अब आगरा या दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर गौरव भारद्वाज, डायरेक्टर एंड फिजिशियन, सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रोमा सेंटर एवं पेन मैनेजमेंट सेंटर गोवर्धन चौराहा के समीप दिल्ली हाईवे मथुरा। इतना बड़ा उद्यान किया इन बच्चों का, बच्चे जो है 3 साल से कर रहे थे, कोरोना आ गया, कोरोना में बच्चे शांत हो गए, 3 हजार बच्चे अपने जोड़ों पे आ रहे, फिर मोदी ने आगे दिया जो रंग की नौकरी करती, ये क्या बात है, कोई नौकरी इसलिए हम एक चीज बना जाते हैं, ये टीओडी को बांट लो, बच्चों का नहीं किया टीओडी को बांट लो, 3 साल की होती है जो भी अगर हमें तंग करते हैं, तो जैसे हमारे भाइयों ने जान दिए उस तरीके से ही हमें उसे डीएल डाल करके नहीं है, हम भी मरेंगे, हमारे भाई मरे, हम ही मरेंगे, अगर किसी ने कुछ भी किया तो हम अपने जितने भी हैं सभी आत्महत्या कर लेंगे, जला करके यही मरेंगे। या तो मोदी जी यहाँ या तो बर्फी चाहिए या आर्मी चाहिए। हमारी सरकार से कोई भी किसी से लड़ाई नहीं है, बस हम इतना चाहते हैं कि टीओडी का जो कानून लागू किया है वो वापस लिया जाए, और जो हमारे 50, 55, 60, 62 जितने भी भाई बंधु जो हमारे सभी ने फांसी लगा ली है उनके लिए कुछ किया जाए, और जो जो आर्मी का जो पेपर जो कैंसिल
हासिल किया है उन बच्चों को उनका पेपर कराया जाए और जो जो एयरफोर्स और जो नेवी वाले बच्चे हैं उनके लिए जो रिजल्ट है वो लाया जाए, जो और जो एयरफोर्स वाले बंदे हैं उनका जॉइनिंग लेटर नहीं आया उनका जॉइनिंग लेटर लाया जाए और उन बच्चों को बुलाया जाए और ये टीओडी खत्म की जाए। हमारी सरकार से कोई भी लड़ाई नहीं है, हमें उपद्रव नहीं चाहिए, हम भी शांति शांति वातावरण चाहते हैं, हम ब्रज के, हम कोई लड़ाई दंगा नहीं चाहते। अगर सरकारी हमारी मांग पूरी नहीं करती तो हम तो मरेंगे, और लेकिन ऐसा करके जाएंगे कि ये सरकार खत्म करके जाएंगे। यमुना एक्सप्रेस में जाम करने से जनता को परेशानी होगी, जनता को परेशानी होगी, जब हमें परेशानी हो रही है, जब हमारे माँ बाप को परेशानी हो रही है तो सभी को परेशानी होगी। अरे हम युवा हैं, हमारी तरफ कोई तो देखे। राजनाथ सिंह ने एक सेकंड में ऐलान कर दिया, किसी से राय नहीं ली। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यो न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।